Hey guys, this is Kinnari Singh and a warm welcome to Glitz Vision USA. So today we are here on the sets of Faltu and कुछ ऐसा हुआ है फालतू के लाइफ में जिससे फिर उनके लाइफ में एक बार तूफान आया है. अब इस बार ऐसा क्या हुआ है, कोई पिक्चर्स है जो वायरल हो गई है जिसकी वजह से फालतू फिर एक बार मझधार में खड़ी हो गई है. तो अब ये पिक्चर्स क्या है, कौन है इनके पीछे, चलिए देखते हैं. धोखा हो चुका है जो वो नहीं थी, उसको दिखा दिया गया है, उसके कैरेक्टर को जज कर रहे हैं हर जगह, यू नो उसका नाम खराब हो चुका है. इसी चीज से सबसे ज्यादा फालतू डरती है, बाकी तो उसको और किसी चीज से डर नहीं लगता. उसे डर इसी बात का है कि उसके बापू सा का सर नहीं झुकना चाहिए और उसका नाम नहीं खराब होना चाहिए, क्योंकि वो अपना नाम रोशन करने आई है. तो अभी यू नो लोगों ने उसी के ऊपर चाल चल दी है और अभी फालतू टूटी हुई है और उसके बापू सा उसको संभाल रहे हैं. विश्वास हो जाएगा कि गलती मारी थी, सबके लगे हुए इल्जाम सच हो जाएंगे. इसलिए बापू साहब, जब तक अपने ऊपर रोड़े कीचड़ का एक एक छींटा में साफ ना कर लेती ना, मैं यहां से कहीं ना जाऊंगी, यही रहूंगी. इसलिए अब सबके सर झुकेंगे और मैं अपना सर गर्व से ऊंचा करके अकेडमी में वापस लौटूंगी. तो आपको क्या लगता है, जो पिक्चर्स वायरल हुई है आपकी कोच के साथ, कौन है इसके पीछे और फालतू कब और कैसे पता लगा? तो फालतू को भी वही पता करना है, उसे पता नहीं है कि तनीषा और कनिका हैं इसके पीछे. अभी तो वो दोनों को बहुत अच्छा समझती है, स्पेशली तनीषा की तो एकदम यू नो उसको एकदम भगवान जैसा मानती है, क्योंकि उसने पैसे दिए थे इलाज के लिए. अब फालतू को उसके पीछे का असली मोटिव नहीं पता, जब पता चलेगा लेट्स सी हाउ फालतू रिएक्ट्स. तो जैसे कि आपने देखा कि एक बहुत ही इंटेंस कॉन्वर्जेशन होता है फालतू और उसके डैड के बीच में, और जो ये हादसा हुआ है, क्या उसके बाद फालतू का जो सपना है क्या वो हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा, इसका जवाब तो आपको अपकमिंग एपिसोड में पता चल ही जाएगा. तब तक के लिए ऐसी एक्सक्लूसिव अपडेट के लिए फॉलो कीजिए ग्लिट्स विजन यूएसए को. हाय, आई एम निहारिका चौकसी, यू वॉचिंग मी ऑन ग्लिट्स विजन यूएसए.